योग गुरु बाबा रामदेव अब रेडीमेड गारमेंट्स के बाजार में भी उतर चुके हैं। पतंजलि परिधान के नाम से दिल्ली के पीतमपुरा में उन्होंने पहला स्टोर लॉन्च किया जिसमें हर तरह के कपड़े मिलेंगे। लंगोट से लेके आपको कोट तक ले चलता हूँ, ये सब कुछ है। आयुर्वेदिक दवाओं, FMCG प्रोडक्ट, मिनरल वाटर और दूध के बाद बाबा रामदेव का अगला बिजनेस रेडीमेड गारमेंट्स। पतंजलि परिधान के नाम से बाबा रामदेव ब्रांडेड कपड़ों के बिजनेस में उतर गए हैं। पुरुषों के लिए संस्कार, महिलाओं के लिए आस्था और स्पोर्ट्स वियर के लिए लिव फिट नाम से तीन ब्रांड बाबा ने बाजार में उतारे हैं। बाबा रामदेव के मुताबिक उनका लक्ष्य है स्वदेशी को मजबूत करना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जो ब्रांडेड इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो करीब 10% हो गए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तानी ना के बराबर है। रेमंड से को छोड़ करके बाकी इसमें तो रिलायंस से लेकर के कोई दूसरा अभी तक को बहुत ज्यादा खड़ा नहीं हो पाया। हमारा ही मानना है कि इस इंडस्ट्री में अभी तक स्वदेशी को गौरव नहीं मिला था, तो पहला काम स्वदेशी को गौरव देना और आम आदमी को एक प्राइड फीलिंग देना। बाबा रामदेव का दावा है कि विदेशी ब्रांड के मुकाबले उनके यहाँ सामान सस्ता मिलेगा। दिवाली ऑफर के तहत फिलहाल रविवार तक 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। बाबा रामदेव के यहाँ खादी भी बिकेगी, लेकिन इससे कहीं खादी इंडिया को तो नुकसान नहीं हो जाएगा? अगर खादी का प्रमोशन पतंजलि के अंतर्गत होता है तो KBIC के और खादी ग्राम के जो इतने बड़े बड़े यूनिट है बिहार में, मधुबनी में इतना बड़ा यूनिट है, बहुत सारी यूनिटें इनके बंद पड़ी हुई है। अच्छा। वो प्रभु कृपा से चल जाएंगे। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो हमारे खादी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करना। वैसे बाबा रामदेव का नाम ही अब इतना बड़ा हो चुका है कि पहले दिन स्टोर खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। मम्मा ने देखा टीवी में, उसके बाद हम न्यूज़ सुन के अपने हस्बैंड को तैयार करके सब आ गए। इज डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री, सो पैसा देश का देश में रहे, दैट्स इम्पोर्टेंट। बाबा जी की शुरू से फॉलो कर रहे हैं हम जर्नी पतंजलि की, तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा हमें लेने के लिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और मुझे फेसबुक के माध्यम से पता लगा कि यहाँ पतंजलि परिधान का नया स्टोर खुल रहा है, तो चूंकि दिल्ली आया हुआ था और अपने आप को रोक नहीं पाया। बाबा रामदेव को जानने वाले और बिजनेस जगत में यही चर्चा है कि अब बाबा रामदेव का अगला बिजनेस कौन सा होगा। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।